से प्रभावित हो रहा है। बर्फीली हवाओं के चलने से गलन बढ़ गई है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हाईकोर्ट, जिला कोर्ट के साथ ही स्कूल कॉलेजेस के शीतकालीन अवकाश होने की वजह से भी सड़कों पर भीड़ बेहद कम नजर आ रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पिछले 3 दिनों से सूर्यदेव के नजर ना आने से तापमान का पारा लुढ़क कर और नीचे पहुंच गया है। ठंड की वजह से मंडल के 3 जिलों कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले में बीते 10 दिनों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी जो जिले में प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और तमाम जितने भी रहने बसेरे थे सभी का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन को और तहसील प्रशासन को भी इस चीज़ के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई भी व्यक्ति रात में बाहर या सड़क के किनारे सोता हुआ न पाया जाए। 6 बजे से 10 बजे तक सारे SDMs की ACMs की टीम भी निकल रही है जो सड़कों के किनारे चेक कर रही है कि कोई भी व्यक्ति बाहर सोता हुआ न पाया जाए, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है तो सूचना पाकर तत्काल वहां पर पहुंचकर उन्हें जो उनके निकटस्थ रैन बसेरे हैं उनमें स्थापित किया जा रहा है, सारी सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरा उत्तर चपेट में है, प्रयागराज में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, कागजों को जलाकर लोग ठंड से थोड़ी राहत ले रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन का दावा है कि अलाव की समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। लोग और राहगीर आने जाने वाले लोग ठिठुर रहे हैं और किसी तरीके से खुद की व्यवस्था कर ठंड से राहत पा रहे हैं। और वहीं गाजीपुर में भी भीषण शीतलहर की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और भीषण ठंड की वजह से जहां पर आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं कोहरे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर आवागमन बेहद सुस्त है। गाजीपुर पिछले करीब 1 सप्ताह से भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। आज भी जनपद में घना कोहरा छाया हुआ है। यदि तापमान की बात करें तो आज सुबह के वक्त तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ठंड में बेहद बढ़ोतरी हो चुकी है। फिलहाल जनपद वासियों को भीषण गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार, सत्यमेव। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। पूरे शहर में नगर पालिका की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड का प्रचंड रूप कानपुर में बादस्तूर जारी है। 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर सूर्य देवता ने दर्शन तक नहीं दिए हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें जो कि यहाँ पर धुंध ने जो है पूरी तरह से काली घटाएं छाए हुई हैं। यहाँ पर 1 हफ्ते से सूरज नहीं निकला, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो है प्रशासन को बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो कि नाकारा साबित हो रही है। यहाँ पर ये प्रमुख चौराहे हैं जहाँ पर प्रशासन की तरफ से ना ही अलाव की व्यवस्था कराई गई है, ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई कम्बल वितरण हो रहे हैं, ना ही रैन बैसे में कोई भी यहां पर व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। हम आपको साफ दिखा सकते हैं कि यहां पर रोडों पर पसरा सन्नाटा यह सिर्फ कारण एक सर्दी का है, जो कि कई सालों बाद इतनी भीषण इतनी प्रचंड सर्दी यहां कानपुर में पड़ रही है। उसके बावजूद यहां पर प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है और ना ही यहां पर किसी भी प्रकार की अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार की तरफ से लाख दावे होते हैं, लाख बजट पास होते हैं, लेकिन यहां के अधिकारियों की माने तो सिर्फ कागजों पर ही सारी चीजें हो जाती हैं और यहां पर चौराहों तक अलाव नहीं पहुंच पाते। गरीब जनता की बात करें तो गरीब जनता यहां पर पुराने कपड़े और अपने पास से लकड़ियां जलाकर सर्दी से सहारा लेती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के बाद प्रशासन पर क्या असर पड़ता है। विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। और वहीं झांसी में कड़ाके की ठंड और 2 दिनों से घने कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं। ठंड ने नगर निगम की भी पोल खोलकर रख दी है। 84 अलाव में से सिर्फ 4 मुख्य चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है। ठंड की बात करें तो यहाँ पर तापमान 7 पहुंच गया है। जिस तरीके की जिला प्रशासन ने जो वादे किए थे कि गरीब लोगों को कंबल बांटेंगे, लेकिन गरीब लोगों को कंबल नहीं बांटे गए, जबकि नगर निगम के जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर पहले से कंबल है, वहाँ पर पहले से सुविधा अच्छी सी है, वहाँ पर कंबल बांटने कल वहां पहुंचे थे, लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जो गरीब लोग हैं उन तक कंबल नहीं बांटे जा रहे हैं इस कड़ाके की सर्दी में। और वहीं मऊ जिले की पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लावारिस घूमने वाली गायों को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए अपने निजी रुपयों में
उनसे जूट के बोरे को खरीद करके नेशनल हाईवे 29 पर घूमने वाली गायों और बछड़ों को जूट के बोरे यूपी पुलिस के इस कारनामे की सराहना कर रहा है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर की कहर ने 42 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। जाड़ा अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है, ऐसे में लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो चुके हैं। जाड़े की मार लगातार, जानलेवा जाड़ा ले रहा है जान। प्रदेश में मौत की दस्तक वाली ठंड, सर्दी की मार बना रही लोगों को शिकार। प्रदेश में बर्फीली हवाओं वाली शीतलहर का कहर जारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के कुछ जिलों में सर्दी का प्रकोप इस कदर बरप रहा है कि लोग मौत की चपेट में आ रहे हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। अगले 48 घंटों में ठंड विकराल रूप लेगी, प्रदेश में कोहरा कहर बरपाएगा। ठंड से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में सर्दी कितना कहर बरपा रही है। जाड़ा हर दिन लोगों को मौत की चपेट में ले रहा है। कई जिलों में तापमान 4 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। यातायात सेवाओं की रफ्तार पर भी कोहरे की चादर ने ब्रेक लगा दी है। पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में तहलका मचा रखा है। आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को खौफ में डाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब